हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में शामिल फिल्म एपोकलिप्टो। ये एक अमेरिकन एपिक हिस्टोरिकल एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2006 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था रूडी यंग ने और डायरेक्ट किया था मेल गिब्सन ने। और बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था 40 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 120 मिलियन डॉलर और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 7.8। फिल्म की शुरुआत होती है और दिखाते हैं कि जंगल के लोग एक जंगली सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। बहुत कोशिश के बाद सुअर एक फंदे में अटक जाता है और दूसरी तरफ से एक नुकीली लकड़ी आती है और वो सुअर के शरीर में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है और सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए मिलता है। सभी आदिवासी मजे से खा रहे होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तभी जो हीरो होता है उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है। वो जंगल की तरफ देखता है, तभी जंगल से कुछ आदिवासी निकलते हैं और हीरो उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलते हैं कि हम बस यहाँ से गुजरना चाहते हैं और वो उनके सामने कुछ मछलियाँ रख देते हैं और जो शिकार किया था वो थोड़ा दे देते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद और कुछ आदिवासी वहाँ से गुजरते हैं। हीरो पूछता है कि क्या हुआ था और आपको चोट कैसे लगी। वो बोलते हैं कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन हीरो उनका पीछा करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं और फिर वो सब अपने कबीले लौट जाते हैं। लेकिन हीरो बहुत डरा होता है। उसके पिता उसे बोलते हैं कि तुम डरो मत, आखिर वो सब अपने कबीले में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हीरो अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से मिलता है, उसके दो बच्चे भी होते हैं, वो उन सबको बहुत प्यार करता है। इसके बाद हीरो बहुत परेशान होता है। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम परेशान लग रहे हो। दरअसल वो उन आदिवासियों की हालत देखकर परेशान हो रहा होता है। अब हीरो को रात में एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि सुबह जिस आदमी ने उसे मछलियाँ दी थी उसका पेट फटा हुआ है और उसके हाथ में मांस है और वहाँ एक कुत्ता होता है और वो बोलता है कि भागो। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर देखता है तो सच में एक कुत्ता भौंक रहा होता है और एक आदिवासी भी होता है जो बहुत डरावना होता है और उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे हुए होते हैं। वो अपने साथियों को बुलाता है, उन सभी के हाथों में मशाल होती है, वो सब उनके कबीले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी हीरो अंदर जाता है, अपनी पत्नी और बच्चों को उठाता है। तभी उनमें से एक आदिवासी हीरो को देख लेता है और वो हीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हीरो उसको मार गिराता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को वहाँ से एक कुएं में ले जाता है और धीरे धीरे उनको कुएं में उतारता है क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी होती है। और उधर उनका पूरा कबीला उन खूंखार आदिवासियों ने तबाह कर दिया होता है। उतने में एक आदिवासी हीरो को देख लेता है, फिर हीरो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को नीचे उतारता है और उसकी पत्नी गिर जाती है। उतने में वो आदिवासी हीरो के पास आ जाता है और उन दोनों की हाथापाई होती है। उतने में वो आदिवासी कुएं में गिरने वाला होता है और वो नीचे हीरो की पत्नी को देख लेता है लेकिन हीरो उसे मार गिराता है। फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है कि वो कबीले की तरफ जा रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम मत जाओ। हीरो बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा। वहां से जाने के पहले वो एक रस्सी एक बहुत बड़े पत्थर से बांध देता है और रस्सी का सिरा कुएं में फेंक देता है ताकि अगर वो नहीं आ पाया तो उसकी पत्नी और बच्चे वहां से निकल सके। अब वो अपने लोगों को बचाने के लिए जाता है और हीरो की मुठभेड़ वहाँ के खूंखार सिपे सालार से होती है। वो हीरो को चाकू से मारने वाला होता है, तभी हीरो उल्टा उसका चाकू छीनकर उसे मारने लगता है। तभी उनके कबीले का सरदार आता है और वो हीरो को बंदी बना लेता है और साथ ही साथ हीरो के पिता को भी बंदी बना लेते हैं। हीरो अपने पिता को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो पिताजी। इतना सुनकर जो आदमी हीरो को मारने वाला होता है वो उसके पिता का गला चीर देता है और फिर हीरो को जोर से लकड़ी से सिर पर मारता है जिससे हीरो बेहोश हो जाता है। जब हीरो को होश आता है तो वो देखता है कि कबीले के मर्द और औरतों को बंदी बना लिया गया है और उन्हें कहीं ले जाने की तैयारी हो रही है। फिर हीरो कुएं की तरफ देखता है, तब वो आदमी जिसने हीरो के पिता को मारा था वो देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि कुएं में कुछ तो जरूर है। फिर वो आदमी कुएं के पास जाता है तो उसे एक मरा हुआ आदमी दिखता है जिसे हीरो ने ही मारा था। फिर वो कुएं में झांक कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता क्योंकि हीरो की पत्नी वहाँ एक छोटे सुरंग में छुप जाती है। लेकिन उसे अभी भी शक होता है कि कुछ तो जरूर है। फिर वो रस्सी से बंधे उस पत्थर को कुएं में फेंक देता है और वापिस आ जाता है। फिर वो सब बंदी बनाए लोगों के साथ निकल पड़ते हैं
रास्ते में उन्हें वो लोग भी मिलते हैं जिन्होंने उन्हें मछलियाँ दी थी। अब वो सब साथ मिल जाते हैं और जंगल से आगे निकल जाते हैं। इस सफ़र में वहाँ बहुत खूबसूरत झरने, पहाड़ और घने जंगल होते हैं जिन्हें फिल्म में देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आखिरकार वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं क्योंकि वहाँ कोई महामारी फैली होती है। वहाँ एक बच्ची होती है जो भविष्यवाणी करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पता है तुम कैसे मरोगे। वो बोलती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है और दिन में अंधेरा हो जाएगा, तुम लोग अंधेरे से सावधान रहना। वो ये सब उन लोगों को बोलती है जो विलन होते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि वह उनके जैसे हजारों लोग बंदी बने हुए हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं रुकते, आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर वो एक गाँव में रुक जाते हैं जहाँ इनके जैसे और भी बंदी होते हैं। फिर वो उन सब बंदियों को नीला रंग लगाते हैं। कबीले के सरदार का स्वागत किया जाता है जो इनको यहाँ लेकर आया है। फिर एक आदमी पूछता है कि कितने लोग हैं, तो वो बोलता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो वो आदमी बोलता है कि पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ हमें ये समझ में आता है कि ये लोग बंदी लोगों को बेचने के लिए यहाँ लाते हैं। उसके बाद औरतों की बोली लगाकर उन्हें बेच दिया जाता है। उसके बाद बंदी आदमियों को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहाँ बहुत भीड़ होती है और लोगों की बलि दी जाती है ताकि भगवान खुश हो जाए। तभी वो एक आदमी को पकड़ते हैं जिसको अभी अभी लाया गया है। उसे पकड़कर उसकी छाती चीर कर उसका दिल निकाल लेते हैं और उसका सिर काट देते हैं। अब दूसरा नंबर हीरो का होता है और जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है और वो रुक जाते हैं। उसके बाद वो एक मंत्र पढ़ते हैं और सभी को एक दूसरी जगह ले जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान होता है और मैदान के उस पार घना जंगल होता है और वो उन बंदियों को बोलते हैं कि तुम भाग जाओ। उधर सरदार का बेटा मैदान के उस पार होता है ताकि जो वहाँ तक पहुँचे वो उसे वही मार दे। फिर वो दो लोगों को भागने के लिए बोलते हैं और उनके भागने के बाद वो खूंखार आदिवासी उन्हें तीर और भाले से मार डालते हैं। फिर हीरो एक आदमी को भागने के लिए बोलते हैं। वो दोनों इधर उधर भागते हैं, तभी दूसरे आदमी के सिर पर तीर लगता है और वो मारा जाता है। तभी हीरो झाड़ियों तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन कबीले का सरदार उस पर तीर चलाता है जो हीरो के सीने के आर पार हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। और सरदार का बेटा जो वहाँ पहले से खड़ा होता है वो उसे मारने वाला होता है कि अचानक घायल पड़े एक आदमी द्वारा उसका पैर खींचा जाता है जिससे वो गिर जाता है और वो आदमी हीरो को बोलता है कि तुम भाग जाओ। लेकिन सरदार का बेटा पहले उस आदमी को मारता है और फिर हीरो को मारता है। तभी हीरो जो तीर उसे लगा था उसके तीर का नोक तोड़कर उसका गला चीर देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सरदार और उसके सभी साथी उसका पीछा करते हैं। हीरो बहुत जख्मी होता है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने कबीले में पहुँचना चाहता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बचाना चाहता है। हीरो भागते भागते बहुत थक जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके बाद सरदार और उसके सभी साथी उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, पर वो हीरो को देख नहीं पाते, लेकिन हीरो के जिस्म से खून टपक रहा होता है। उसमें से एक बूंद नीचे से जा रहे एक आदमी पर गिरता है। कुछ दूर जाकर सरदार को उस आदमी के ऊपर खून दिखता है, तो सरदार समझ जाता है कि वो कहीं तो ऊपर पेड़ पर छुपा हुआ है। अब उस पेड़ पर ब्लैक पैंथर का बच्चा होता है और फिर ब्लैक पैंथर भी आ जाता है, लेकिन हीरो वहाँ से भाग जाता है उसी तरफ जिस तरफ वो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। कि उनको कुछ हलचल दिखती है। अब हीरो और ब्लैक पैंथर और कबीले का एक आदमी ये आमने सामने आ जाते हैं। फिर ब्लैक पैंथर उस आदमी को मार डालता है, वही हीरो फिर से भाग जाता है। कबीले के लोग ब्लैक पैंथर को मार देते हैं और फिर से हीरो को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन इन सबको एक डर सताता है क्योंकि उस बच्ची ने भविष्यवाणी की थी कि सब मारे जाएंगे। लेकिन सरदार बोलता है कि डर उसके दिल में है इसलिए वो भाग रहा है। सरदार बोलता है कि एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर हीरो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के पास रुकता है, लेकिन पेड़ पर उसका नीला रंग लग जाता है। फिर वो सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी उनमें से एक देखता है कि पेड़ पर नीला रंग लगा है और वो सबको बताता है। फिर वहाँ एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और बाकी के लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग हीरो का पीछा करते करते उसके बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं। भागते भागते हीरो एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा झरना होता है। उसके पास कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। आखिर वह उस झरने में कूद जाता है और पानी में गिरने के बाद किनारे पर आ जाता है और वहाँ से उनको ललकारता है कि दम है तो आ जाओ, क्योंकि ये जंगल उसका होता है।
उसे यहाँ का कोना कोना मालूम होता है। एक आदमी बोलता है कि हमें वापिस जाना चाहिए, तभी सरदार उस आदमी को मार डालता है और बोलता है कि एक एक करके झरने में कूदो। उनमें से एक आदमी कूदता है लेकिन पत्थर से टकराने से वो मारा जाता है, लेकिन बाकी सब लोग बच जाते हैं और फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते हीरो एक दलदल में गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और थोड़ा शांत रहकर बोलता है कि मैं जगुआर पॉ हूँ। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस फिल्म में हीरो का नाम जगुआर पॉ होता है। हीरो बोलता है कि मैं जगुआर पॉ हूँ और ये जंगल मेरा है, मुझे किसी का डर नहीं। अब वो खुद उनके सामने आ जाता है और उसके हाथ में पत्तों से लिपटा एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। वो उस छत्ते को उनकी तरफ फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। मधुमक्खियाँ उनको बहुत काटती है और वो सब इधर उधर भागते हैं। फिर जगुआर को एक येलो मेंढक दिखता है, ये एक जहरीला मेंढक होता है। वो कुछ कांटे मेंढक के शरीर में डालता है और कांटों में जहर लग जाता है। अब वो एक पेड़ के तने में कीचड़ लगा लेता है ताकि वो लोग उसे देख सके। अब वो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तभी अचानक जगुआर एक पेड़ के पीछे से पत्ती में लिपटे कांटे में फूंक मारता है और सबसे लास्ट वाले आदमी के गले में वो कांटा लग जाता है। ऐसे ही वो और दो कांटे उस आदमी को मारता है। वो आदमी गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है, तभी उसका एक साथी उसकी आवाज़ सुन लेता है। अब वो आदमी उसके पास आता है और जगुआर भी वही होता है और उन दोनों के बीच एक हथियार होता है। जगुआर और वो आदमी दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और इस लड़ाई में वो आदमी मारा जाता है। अब बारिश शुरू हो जाती है और उसकी पत्नी और बच्चे अभी भी उस कुएं में होते हैं और कुएं में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये सीन बहुत इमोशनल होता है क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है। जगुआर आखिर उस कुएं के पास आता है। उसकी पत्नी बोलती है कि हमें यहाँ से निकालो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे वो तीन आदमी होते हैं। जो सरदार होता है वो उसके पीछे आ जाता है, लेकिन बाकी दोनों आदमी पीछे रह जाते हैं और वो दोनों जगुआर की पत्नी और बच्चों को देख लेते हैं, लेकिन वो जगुआर को पकड़ना चाहते हैं इसलिए उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सरदार एक तीर जगुआर को मारता है और वो तीर सीधा जाकर जगुआर के दिल के पास लगता है और जगुआर नीचे गिर जाता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से उठता है और तीर को तोड़ देता है और फिर जगुआर सरदार को ललकारता है। सरदार तीर छोड़कर चाकू निकलता है और जगुआर की तरफ भागता है और भागते भागते उसका पैर एक फंदे में अटक जाता है। जैसे शुरुआत में सुअर उस फंदे में अटक जाता है, वैसे ही सरदार उस फंदे में अटक जाता है और नुकीली लकड़ी सीधे आकर उसके शरीर में घुस जाती है। इस प्रकार सबसे खोखार विलेन की मौत हो जाती है। अब वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो दोनों आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। उधर कुएं में पानी भरते चला जा रहा है, उसी वक्त उसकी पत्नी की डिलीवरी हो जाती है और दूसरी तरफ जगुआर भागते भागते समंदर के नज़दीक पहुँच जाता है। वो घायल होता है और बहुत थक जाता है और फिर वो समुंदर की तरफ देखता है और तभी वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो उसे मारते नहीं बल्कि वो भी समंदर की तरफ देखते हैं। समुंदर में बड़े बड़े शिप उन्हें दिखाई देते हैं और कुछ यूरोपियन लोग जंगल की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अब जगुआर मौका देखकर वहाँ से निकल जाता है और कुएं के पास पहुँचकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बचा लेता है। अब वो जंगल से जा रहे होते हैं तभी उसकी पत्नी समुंदर में बड़े बड़े शिप देखती है और बोलती है कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। तो जगुआर बोलता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, और वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेफ्लिक्स को और बेल आइकन दबाइए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।